ओए क्या हो गया है? अब पीछे मेरे को क्या हो गया? आजा आजा यार, इसके लिए ना थोड़ा सा मैं अंडा लेके आ चुका था। मैंने कहा यार एक दिन हो गया इसको अंडे से निकले हुए, तो इसको अंडा वगैरह खाते हैं, कोई ताकत उकत इसको आए। चलो जी अब खाने नहीं देंगे यार, इनका पता नहीं है। अब आपको बताऊं, ये वाला चूज़ा जो है ना माशाल्लाह, ये भी इनके साथ के ही है। ये वाले जो है पहले निकले थे, ठीक है, इनको तकरीबन 4-5 महीने होने वाले हैं इन वालों को। ये देखो माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं। उसके बाद ये वाला चूज़ा जो है निकला है। अब दूसरे चूज़े जो है ना वो भी अभी निकल गए हैं दो, वो भी अभी जाके ले आते हैं। उसको भी साथ में फिर मुर्गी के नीचे रख देते हैं। थोड़े से टुकड़े करके ना मुर्गी फिर उसको चूज़े को दे रही है। मुझे अफसोस तो बड़ा है यार, मैं अगर मुर्गी के नीचे अगर अंडे रख देता ना तो उम्मीद थी काफ़ी ज़्यादा अंडे जो है निकल आते। वो उसका मशीन का ये हुआ था कि वो तकरीबन 2 दिन जो है ना बंद रही है, उसके बाद भी जाके जो है ना शुक्र है कि 2 चूज़े निकले हैं, वरना वो भी नहीं निकलने थे। बड़ा काम ख़राब हुआ। चलो यार किस्मत, इंशाल्लाह दोबारा जो है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद दोबारा इसको बैठाएंगे अंडों पर। आजा आजा आजा, ये चेक करो। मैं इस तरह जो है ना टेम होते हैं तकरीबन पूरे 15-20 दिन जो है ना, जब चूज़ा निकलता है ना इसको ऐसे ही खिलाओ अपने हाथों से, पानी पिलाओ, तो वो फिर डरता नहीं है। आपके हाथों से भी खाता है और मुर्गी के साथ से भी खाता है। फिर थोड़ा सा मैंने जो है चूज़ा ये डरता, वरना अगर शुरू के दिनों में जो है ना 10-15 दिन जो है इसको खिलाओ ना, मतलब ऐसे ही डाल के चले जाओ, वो तो खुद खा लेंगे, बाद में फिर डरेंगे। ऐसे इनको जो है ना आदत हो जाती है कि हाथ से खाने की, तो फिर उसके बाद नहीं ये डरते चूज़े। फिर जितने मर्जी जो है ना बड़े हो जाए ना, उनको आदत हो जाती है। जैसे मुर्गी है ना, मुर्गी को भी यही आदत है। अब उसके वो जो चूज़े हैं वो वहाँ फिर रहे हैं, उनको यही आदत थी कि उनको खाना नहीं खिलाया गया, मतलब उनको डाल के चले जाते थे खाना, वो खुद खाते थे। अब वो डरते हैं आके। है इसी मुर्गी के बच्चे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल आपका? ठीक है। तो यार अभी जो है ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करा नहीं ना किया, कर लो सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यार ये था कि आपने तकरीबन चेक किया था कि पूरा 20 दिन होने वाले हैं कि जो है ना बतखों ने चूज़े जरा निकाले थे, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करो माशाल्लाह, ये कैसे आराम से सो रहे हैं। पूरे 20 दिन बाद जो है ना मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा इनके जाकर इनका ना हाल चाल देखते हैं क्या हिसाब किताब है। ये चेक करो यार, ओए जिस बतख ने निकाले थे ना चूज़े, अब वो दोबारा कुड़क हो गए, उसके बाद 4-5 और जो है बतख कुड़क हो गए यार। खरगोश के जो बच्चे हैं ये भी माशाल्लाह कितने बड़े हो गए माशाल्लाह से। बस ये वाला जो है एक बेचारा देखो छोटा रह गया, बतख का बच्चा, बाकी सारे जो है ना एक साइज की हैं। पानी में छोड़ते पानी में। ओए क्या बात है माशाल्लाह। ये वाली बतख थी, इसने जो है ना वो चूजे निकाले थे और दोबारा कुड़क होगी, और उसके 4-5 और उसने इकट्ठी कर लिया। साथ मुर्गी जो है इसको भी साथ ऐसा बिठा रहे यार। ये चेक करो काम इसके मुर्गी के भी। ये देखो ये बतख है 4, ये पीछे बैठी हुई है, एक ये बैठी हुई है, ठीक है, एक ये बैठी हुई है, ये बैठी हुई है। 4-5 जगह थी, 5-6 पे सारी बतखें बैठी हुई है, सारों ने कब्जा किया हुआ है। यार इस बछड़े की ना नकेल उतरी है, वो इसलिए उतरी क्योंकि खाना नहीं खा रहा। हमने कहा यार चलो उतार के चेक करते हैं, क्या पता फिर जो है ना आराम से खा सके। शायद हो सकता है कि उसके दांत पे जो है ना लग रही हो। काफी देर का देखे थे खाना नहीं खा रहा था। ध्यान से फिर ना जाए, फिर ना जाए, देखो दर्द हो रही है ना उसको। खाना नहीं खा रहा बेचारा। अब पता लेगा इसे खाना खाता है कि नहीं। ले जाओ ले जाओ, ध्यान से लेके जाना इनको बाहर। यार आज जो है ना आपके लिए खुशखबरी हो गई है, वो ये है कि अब आपको मैंने बताया था कि लीची जो है तैयार हो रही है, अब वो माशाल्लाह से जो है तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको खा के भी खाऊंगा। उस्मान को जो है दरख्त के ऊपर चढ़ता हूँ, फिर थोड़ी थोड़ी जो है ना, बाकी जो है ना यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं, लड़के वगैरह आते हैं, उन्होंने साइडों से जो है ना साइड से सारे उतार लिए। अब यहाँ के ऊपर थोड़े थोड़े रह गए, वो कॉर्नर पे ना थोड़ी सी उस्मान उतारता है, फिर थोड़ी सी खाते हैं, फिर आपको खाते हैं। ये चेक करो कितने माशाल्लाह पक गए हैं। अभी यह है कि यहाँ पे हाथ ही है ना, अब ऊपर चढ़ा ना, मैं सोचना कि ऊपर ही चलूँ इसके साथ। ये देखो ये आ रहा है ना ऊपर से, अभी ज़्यादा से उतर जाएँ फिर खाते हैं, फेंक के जाओ इसके ऊपर ही। यार ऐसे जो है ना मज़ा नहीं आना, एक आधा खा लेते हैं, उसके बाद जो है ना ऊपर साथ पे जाता हूँ, ओह सॉरी ऊपर दरख्त पे जाता हूँ, दरख्त पे जाके खाते हैं, उधर ही आराम से खा लेते हैं आराम से। हाँ जी, तो देखो आ गया ना दरख्त के ऊपर। ये चेक करो, ये चेक करो, चेक करो, अरे ये चेक करो माशाल्लाह। अभी यार गाइस मैं दरख्त के ऊपर बैठा हूँ, बड़े टहनियों के ऊपर खड़ा हूँ, गिरने का खदशा है। अभी यह है कि ये मैं इकट्ठे कर रहा हूँ ना, करके ज़्यादा से उतार के फिर एक दफे आपको दिखाते हैं, एक दफे फिर खाते हैं। उतार लिया हमने, पोकते शोकते जो है भर ली हैं, बस नीचे उतरने का मसला है। अब नीचे उतरा कैसे जाए, क्यों भाग भाग ऊपर चढ़ गए थे, नीचे नहीं उतर जाओ। चेक करो गाइस,
खट्टी मीठी। चार पांच इसको खिलाओ। नहीं इधर कर, इधर खा चल। ले लो। ओए एक मछली है। क्या बात है, है? अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ, इसी ने तो खाया घूम के दरख्त साइडों से। हम भी कहें कौन ताता दिखाता रहे। इतनी बड़ी इसकी गर्दन है, इतनी बड़ी घोड़िया है, आराम से कौन से पत्ते भी साथ, और उसके बाद दूसरा लीची नीचे नीचे से खाती रही है साथ साथ। यार अब इसका पता लगा है। हाँ देख लो, अब आज पता लगा है। ना वही ना, मैं परेशान मिलने का कोई और उतार के लेके जाता रहा, वो तो अब पता लगा कि ये खाती रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा। गंदे रुक जा, क्या हो गया है? अब पीछे मेरे को इन सारों को दो दो खिला, तू खाए जा ले, ले ले तू भी खा ले, तू आया पाइये ले। बस ठीक है, जा रहा हूँ, ठीक है, डरा दिया, ये तो मार रहा है, कह रहा है भैं।